नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में 24 सीटों पर MLC का चुनाव हो रहा था, जिसमें NDA की तरफ से रालोजपा हाजीपुर की सीट पर चुनाव लड़ रही थी और वहां पर पशुपति कुमार पारस की पार्टी ने जीत हासिल की है। हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस और जो बिहार रालोजपा के प्रदेश अध्यक्ष है प्रिंस राज जी, और ये साथ में चंदन सिंह जी है, सांसद जी है। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये जीत NDA गठबंधन की जीत है, और चूंकि मैं हाजीपुर से मैं सांसद भी हूं और 77 से लेकर और आज तक मेरा कार्य क्षेत्र हाजीपुर रहा है, हमारे बड़े भाई साहब का 77 से था, और ये जो जीत हुई है, हमारी पार्टी में जब मतभेद हुआ, स्वर्गीय पासवान जी जब नहीं रहे तो पार्टी में मतभेद हुआ और पार्टी दो भाग में बढ़ गई, अलग अलग हुआ, तो उसमें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में मुझको मान्यता मिला और ये हमारी जीत है। ये पहली जीत है और इस जीत से मैं काफ़ी खुश हूँ। हमारे दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्हें काफ़ी खुशी है, और ख़ास करके जीत से मैं हाजीपुर की जनता का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूँ और तहे दिल से मैं उनको बधाई देता हूँ। इसके साथ साथ पूरे बिहार का जो हमारा NDA गठबंधन है, NDA गठबंधन के हमारे तमाम नेता हैं, हमारे NDA गठबंधन के तमाम वर्कर्स हैं, मैं सभी को हार्दिक दिल से बधाई देता हूँ। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर जितने भी हमारे अमित शाह जी, मैं सबको इसके लिए तहे दिल से मैं बधाई दी, इस जीत के लिए मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ। नीतीश कुमार के काम पर मोहर लगी है बिहार में, जिस तरीके से MLC चुनाव का परिणाम आया। देखिए, पूरे देश में NDA गठबंधन की लहर है। अब देखिए, 5 स्टेट का चुनाव हुआ, उसमें हमारी जीत हुई। आज से 2-3 महीना पहले बिहार में 2 जगह उपचुनाव हुआ, कुशेश्वर स्थान और तारापुर, वहाँ भी हम जीते। अभी 24 जगह चुनाव हुआ विधान परिषद के, उसमें बहुमत हमारे पक्ष में है। फिर अभी बोचहा का उपचुनाव होने वाला है, उसमें भी हमारा उम्मीदवार NDA गठबंधन का जो उम्मीदवार है वो भी भारी बहुमत से जीतेगा। तो इसमें नीतीश जी और माननीय प्रधानमंत्री जी सभी के कार्यकलाप से इस देश की जनता और बिहार की जनता काफ़ी खुश है, और ख़ास करके जो गरीब गुरबा लोग हमारा है, जो महिलाएँ हैं, जो गरीब गुरबा लोग हैं, शिक्षा का स्तर है। जैसे देखिए, बिहार में पहले इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, मेडिकल कॉलेज नहीं था, आज अब देखिए प्रत्येक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, अधिक सब जगह मेडिकल कॉलेज हो रहा है। रोड की स्थिति बहुत अच्छी है, जहाँ बिजली के लोग सपना देखता था 24 घंटा में 22 घंटा देहाती क्षेत्र में बिजली मिलता है। तो इस शिक्षा का विकास हुआ, तो इस ढंग से बिहार का विकास हुआ, और नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से विकास पुरुष माने जाते हैं। 16-17 वर्ष उनका चल रहा है और बिहार का काफ़ी विकास हुआ, और देश का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ा। अभी आप देखिए, रसा और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ, उसमें जो हमारे लगभग 22,500 हमारे छात्र वहाँ फंसे हुए थे, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही हिम्मत बांध करके और बहुत ही होशियारी से, बहुत ही चतुराई से उन्होंने अपने देश में सब लोगों को लौटा लिया। ये बहुत ही खुशी की बात है, और आज देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज विश्व स्तर के नेता माने जाते हैं। इसलिए आगे भी मैं बार बार कहता हूँ कि आगे भी 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है और 2025 में जो विधानसभा का चुनाव है, NDA गठबंधन चुनाव भारी बहुमत से हम लोग जीतेंगे। प्रिंस राज जी हैं, किसको क्रेडिट देना चाहेंगे इस जीत का? प्रिंस जी, देखिए, हम बिहार की जनता को इसकी बधाई देते हैं, उनको उनका श्रेय उनको देते हैं, और ख़ासकर हाजीपुर की जनता को कि उन्होंने एक सही निर्णय लिया और जिस तरह के उन्होंने मतदान किया है उसके लिए बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद एवं बधाई। आने वाले समय में बोचहा का भी उपचुनाव हो रहा है, क्या लगता है कि NDA भी इसी तरह मजबूती से वहाँ रिजल्ट बढ़ना? बिल्कुल। देखिए, NDA एकजुट है, मजबूत है, और NDA के बारे में जब कोई बात करता है तो विकास की बात होती है। NDA को जब कोई वोट देता है तो यही सोच के वोट देता है कि हम विकास की बात भी करेंगे, उनकी विकास के कार्य पूरे होंगे। तो 100% जो अभी आगामी जो हम लोगों का जो उपचुनाव है उसमें NDA की जीत होगी। सांसद चंदन सिंह है, पहले तो बहुत बहुत बधाई, क्या कहेंगे पार्टी की ओर से? पार्टी की ओर से बिहार वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये एक विपक्ष जो लोग बहुत अपने आप को बड़ा नेता समझते थे, उनके लिए एक समझ में आ गया कि NDA गठबंधन में जो हमारी पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उसका कितना जनता महत्व दे रहा है, ये बताने की आवश्यकता अब नहीं है, ये देखने की आवश्यकता है। और उन सभी को जो विरोध करते हैं हम लोगों का,
उनको सीखने की जरूरी है, उनको समझने की जरूरी है। देखिए जनता हम लोग को क्यों मानती है, क्यों इतना प्यार स्नेह देती है और हम लोग को विजय प्राप्त क्यों होता है, ये सब सीखने की जरूरी है। और मैं बिहार वासियों को सभी को धन्यवाद देता हूँ अपनी पार्टी की ओर से। हम लोग NGO गठबंधन में हम लोगों के गार्जियन आदरणीय मंत्री साहब पशुपति कुमार पाल साहब के नेतृत्व में चुनाव हुआ और हम लोग का जो एक सीट मिला वो एक सीट हम लोग जीत रहे हैं। ये हैं तमाम लोग जो काफ़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।